हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने कहर ढाया है। प्रदेश भर में बीती रात को भयंकर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मंडी जिले में मौसम की मार पड़ी। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड इलाके में बादल फट गया। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी में बादल फट गया। इस आपदा के बाद से 22 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई। साथ ही मंडी के पथर उपमंडल के धल टू खोड़ इलाके में भी बादल फटने से तबाही है। इन दोनों ही जिलों में बादल फटने से कुल 28 लोग लापता हो गए। अब जो मिसिंग की जो बात अभी बताई मैंने आपको, ये जो हमारा सरपारा पंचायत का जो समेज है वहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें जो है अभी तक 36 मिसिंग बताया गया है, 36 कंफर्म है मिसिंग। और इसी तरह से जो हमारा ये मंडी का जो टिकन वाला एरिया है, इसमें भी मतलब जो है 8 मिसिंग है, 2 डेड बॉडीज रिट्रीव हो गए हैं, 1 इंजर्ड है। तो जो कुल्लू का जो एरिया है मलाना में जो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो बैराज है वो ब्रीच हुआ है, तो लोग अभी फंसे हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी अभी बंद है, तो वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है, तो उन लोग जो फंसे हुए उनको रेस्क्यू। हिमाचल में बारिश से हुई तबाही पर सीएम सुक्खू ने बैठक की। सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों से हालात के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही मौके पर राहत बचाव के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला है और हाईवे पर आ गई है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ है। रायसन और नेहरू कुंड के बिंदु ढंकार में नेशनल हाईवे 3 फिर से क्षतिग्रस्त हुआ। मनाली चंडीगढ़ हाईवे से लगे हुए दूसरे रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। कुल्लू जिला में आधी रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश से नदी नालों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मलाड़ा में पावर प्रोजेक्ट का एक डैम फट गया है। डैम फटने से सड़कें, पुल, जमीनों को भारी नुकसान हुआ है। पार्वती नदी में भारी बाढ़ से भुंतर के आसपास लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू जिला के बागी पुल में बाढ़ से हुई भारी त्रासदी में कई घर बह गए हैं।